हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रफ़ी खान हियर। ओके सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि 11th का एडमिशन का जो पार्ट टू फॉर्म है वो कब चालू होगा, चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं भी उनको बार बार यही बोल रहा था कि जो जैसे ही फॉर्म चालू होगा वैसे ही मैं अपना आप लोगों को बता दूंगा। तो फाइनली जो है वो 11th एडमिशन की वेबसाइट पे एक सर्कुलर आ चुका है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने बताया कि पार्ट टू फॉर्म जो है वो 22 जुलाई के बाद से आप लोग, या 22 जुलाई से आप लोग अपना पार्ट टू फॉर्म भर सकते हो जिन्होंने पार्ट वन और रजिस्ट्रेशन कर चुके। अब बात यहाँ पे ये आती है कि किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया, मतलब रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया, एप्लीकेशन फॉर्म जो जिसको पार्ट वन बोलते वो भी नहीं भरा है, तो पार्ट टू क्या भर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग तीनों के तीनों, मतलब रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, मतलब पार्ट वन और पार्ट टू, ये तीनों के तीनों एक साथ भी भर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लोग अभी तक कुछ नहीं भरे तो मतलब पार्ट टू भी नहीं भर सकते, भर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आप लोग एक साथ कर सकते हो, ऐसा कि नहीं कि आप लोग ने ये रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा तो ये नहीं कर सकते, कर सकते आप लोग तीनों एक साथ, ठीक है। तो ये छोटा सा अपडेट आप लोग को देना था। और एक और चीज़, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कितने कॉलेज ऐड करना है, तो आप लोग को मैं बता दूँ, इस सर्कुलर में साफ साफ बताया गया है कि आप लोग मिनिमम एक कॉलेज आप लोग को डालना है, क्योंकि एक कॉलेज तो डालना ही पड़ेगा, तभी तो कॉलेज का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। तो एक कॉलेज आप लोग डाल सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉलेज डाल सकते हो, ठीक है। 10 में से मतलब 2, 3, 4, 5, 6 जितना कॉलेज आप लोग को डालना है डाल सकते हो, 10 तक। 10 से ज़्यादा मतलब 11, 12 कॉलेज नहीं डाल सकते, सिर्फ 10 तक ही अलाउड है आप लोग फॉर्म कॉलेज का नाम डाल सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे कि आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, फॉर्म भरते हैं, पार्ट टू भी भरते हैं, पार्ट वन भी भरते हैं और रजिस्ट्रेशन भी भरते हैं, लेकिन पार्ट टू में वो लॉक नहीं करते। तो आप लोग को लॉक करना ज़रूरी है। अगर आप लोग ने लॉक नहीं किए होंगे, सबमिट जिसको बोलते हैं, अगर नहीं करोगे तो आप लोग का इनकम्प्लीट कहलाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से कॉलेज ऐड करने के बाद फॉर्म को जो है वो लॉक किया जाता है, तो लॉक कर दीजिएगा। ये जो फॉर्म है पार्ट टू, ये राउंड वन के लिए अभी चालू हुआ है, ठीक है। अब ये राउंड वन का रील लिस्ट कब लगेगा, राउंड टू का कब चालू होगा, कब उसका लिस्ट लगेगा, राउंड थ्री कब चालू होगा, राउंड थ्री का कब लिस्ट लगेगा, ये सब अभी तक कुछ नहीं बताया। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये बताया कि पार्ट टू जो है वो चालू हो चुका है, तो आप लोग को सिर्फ पार्ट टू, जैसे पार्ट टू फॉर्म भरिए जिसमें कॉलेज ऐड करना पड़ता, तो आप लोग कॉलेज को ऐड कीजिए। और अभी तक सिर्फ इतनी ही जानकारी अभी तक मिली है। अगर आगे कुछ और अपडेट मिलता है तो वैसे ही मैं अपने इस YouTube चैनल पे शॉर्ट वीडियो के जरिए से या अपनी कम्युनिटी पोस्ट के जरिए से आप लोग तक बताते रहूँगा, अपडेट बताते रहूँगा 11th एडमिशन के रिगार्डिंग। बट उसके लिए अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग को प्रेस बेल आइकॉन बटन भी दबाना है। बेल आइकॉन बटन इसलिए दबाने बोल रहा हूँ बिकॉज नोटिफिकेशन जो है वो जैसे ही मैं वीडियो डालूँ या कुछ अपडेट डालूँ तो आप लोग तक पहुँच जाए। अगर आप लोग तक वो चीज़ लेट पहुँचेंगे या फिर बाद में पहुँचेगा तो कुछ फ़ायदा के नहीं, इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन बटन जो होता है, बेल बटन, वो आप लोग क्लिक कीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, मास्टर बोर्ड के एजुकेशन के रिगार्डिंग और मुंबई यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगा मैं अपने इस चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।